डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक क्लास 12th की, जिसका टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल और एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर है 24 और क्वेश्चन क्लियर है आपको कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। दो इक्वेशंस निकालना है, एक टेंजेंट की और एक नॉर्मल की टू दिस हाइपरबोला, जिसकी इक्वेशन ये है एट एक्स जीरो वाई जीरो। तो सबसे पहले हमें इसका स्लोप निकालना होगा, वन अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वन अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वन अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इससे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, इसको उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए आप, 2 कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर को नीचे भेज दीजिए ए स्क्वायर वाई, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन इसे स्लोप नहीं कहेंगे जब तक कि इसमें हम पॉइंट नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी हमारे पास जो पॉइंट है वो एक्स जीरो वाई ज़ीरो है या एक्स नॉट वाई नॉट है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसको देखिए, और जब इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आएगी तो इसमें एक खास बात है, उस खास बात के लिए आप साथ साथ बने रहें, हम देखते हैं वो क्या खास बात है। तो ये इसका डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स जीरो वाई ज़ीरो आ गया। अब हमारी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व टू, इसको कर्व को नंबर दे देते हम वन टू वन एट एक्स जीरो वाई ज़ीरो, इस पर टेंजेंट क्या होगी, तो इस पर टेंजेंट होगी y माइनस वाई ज़ीरो डी वाई बाई डी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट या एक्स जीरो वाई ज़ीरो, जो आप बोलना चाहते बोल सकते हैं। ये हो गई हमारी y माइनस वाई ज़ीरो, इसकी वैल्यू रख दीजिए बी स्क्वायर एक्स ज़ीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई ज़ीरो एक्स माइनस एक्स नॉट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है हमारे पास, ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अगर आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, ये आपका उधर गया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई वाई नॉट, ये हो गया। अब आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस, उसमें बी स्क्वायर बचेगा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में देखिए आप, राइट साइड में आपके पास बचेगा एक्स नॉट एक्स बी स्क्वायर कैंसिल तो अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर। अब इसमें मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि एक्स नॉट और वाई नॉट जो है वो कर्व पे भी लाए करेगा और टेंजेंट पे भी लाए करेगा। तो सिंस एक्स नॉट, क्योंकि जो भी कर्व होगा टेंजेंट उसके किसी ना किसी पॉइंट पे होगा, तो सिंस एक्स नॉट वाई नॉट लाइंग ऑन इस कर्व पे भी लाए करते हैं, किस पे, वन पे,
तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से होने वाला है एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी वन। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी, ये इसकी बहुत खास बात है, टेंजेंट विल बी। तो कभी कभी हमें ऐसा प्रूव दैट करके पूछते हैं कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व इज दिस। नॉर्मल में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नॉर्मल में कुछ एलिमिनेशन नहीं है। तो ये था दोस्तों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इसका कॉम्पैक्ट आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है आपने देखा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जगह दोस्तों अगर हमें इक्वेशन ऑफ किसकी निकालनी पड़ेगी, नॉर्मल की निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा हो जाता है माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप में चेंज आ जाता है, स्लोप माइनस वन अपॉन टेंजेंट का स्लोप हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस वन अपॉन आपका ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट। तो उसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं ए स्क्वायर वाई नॉट। अब कुछ खास काम नहीं करना हमको, इसको मल्टीप्लाई करके ओपन ही करना है। तो ये जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, ये इसका इक्वेशन है। ठीक है, पर भी इसे थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, मैं इसको उधर भेज देता हूँ। तो x वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और इसको उधर भेज देता हूँ। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, तो ये हमारे नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी और इसमें एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं करना हमें, इसमें दोस्तों एडजस्टमेंट के नाम पे कुछ काम नहीं करना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई इज इक्वल टू, इसको इन दोनों को उधर भेज देते हैं तो एक्स नॉट वाई नॉट कॉमन आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, इस तरह से हो जाएगी। अब अगर आप चाहें तो इसको एक्स नॉट वाई नॉट से डिवाइड कर दें तो थोड़ा कुछ इसका रूप बदल जाएगा, तो डिवाइडिंग बाय एक्स नॉट वाई नॉट, अदरवाइज ये भी आंसर माना जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स एक्स नॉट बी स्क्वायर वाई वाई नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका नॉर्मल का इक्वेशन है, और जो पिछला निकाला था हमने टेंजेंट का इक्वेशन था, दोनों ही पार्ट बहुत अच्छे हैं। पहले वाले में तो क्या कहना, बहुत ही शानदार है, उसमें जो एलिमिनेशन आखिरी में होता है और जिसकी वजह से ये वन हो जाता है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपने देखा समझा। सॉल्व करें, आप खुद भी सॉल्व करके देखें बिना देखे एक बार, कॉन्फिडेंस गेन करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक बात पहुंचाएं और खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, देश को भी बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।